समय यूपी सीएम अखिलेश यादव हम लोग के साथ इनसे बात करेंगे। अखिलेश जी, क्या इस समय जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे पर चल रहे हैं, लगातार दौरे पर हैं, और आपको किस तरह का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले चरण में ही समाजवादी और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन आगे जा रहा है। जनता ने मन बनाया हुआ है और इस गठबंधन के साथ साथ समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। बड़ा सवाल यह, नोटबंदी आप लगातार दो महीने से उठाते रहे, क्या वाकई अभी नोटबंदी का कोई असर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक नोटबंदी से जो तकलीफ हुई है लोगों को अभी भी याद है, जो परेशानी उनके सामने आई उन्हें पता है, उनका अपने मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसे की वजह से उन्हें लाइन में लगना पड़ गया, और जो परिणाम मिलना चाहिए था काले धन और भ्रष्टाचार का, शायद इन सवालों का जवाब आज भी नहीं मिला है। सर, पहला चरण काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी के जो फायर ब्रांड जितने भी नेता है उन्होंने अभी से माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। कैराना का मुद्दा हो या मुजफ्फरनगर का मुद्दा हो, अभी से उन्होंने उछालना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं उनका जो उनकी जो कोशिश है वो ये है कि जो हिंदू वोट है उनके पक्ष में पोलराइज हो जाए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, सभी लोग ये बोल चुके हैं कि धर्म और जाति के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा। बीजेपी और उनके सहयोगी जितने भी दल हैं, अब कितनी भी कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश का ना माहौल बिगड़ेगा और ना जिस तरह का वो माहौल बनाना चाहते हैं उनसे कोई लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि पहली बार विकास के रास्ते पे चलने वाली सरकार की मदद करेंगे। चुनाव चिन्ह साइकिल और कांग्रेस के साथ को सबसे ज्यादा बहुमत मिलने जा रहा है। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इसी गठबंधन को आगे बढ़ाना है।